It's your body, Holy Baba. ये यूनिफॉर्म जो पहनी है, मैं कुछ दिन पहले चाइना के बॉर्डर के ऊपर ये यूनिफॉर्म पहन के खड़ा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था, और इस यूनिफॉर्म को उतार के जब मैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो गया तो मैं बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया। किसी जवान के घर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ड्यूटी करने को दिल नहीं करता। आपने तो आग लगा दी उनके घरों में, क्या ड्यूटी करेंगे वो? कौन से बिजनेसमैन का, कौन से गुजराती का बच्चा है आर्मी में? आपको सभी खालिस्तानी दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्हीं जवानों के बाप हैं वो। दोस्तों, जिवें आपां जानते हैं कि फौजी जवान ते किसान देश दी रीढ़ दी हड्डी हुंदी है, ते कोई भी देश इन्हां दोनों तो बिना नहीं चल सकता। हुण जिवें आपां जानते कि किसान वीर दिल्ली विच अपने हक्कां दी लड़ाई लड़ रहे आ, संघर्ष कर रहे आ, ते बहुते जो साडे किसान वीर आ उन्हां दे बच्चे फौज विच आ। हुण एक वीडियो सोशल मीडिया ते बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस विच एक फौजी जवान ने सीधी वार्निंग दी है सरकार नूं कि जेकर तुसीं किसानां दे हक दा फैसला ना सुनाया जां किसानां दी गल ना सुनी तां सानूं भी हो सकदा कि दिल्ली बॉर्डर ते आउणा पवे। सो आओ आपां सब तों पहलां पूरी वीडियो देख लैने आ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये यूनिफॉर्म जो पहनी है, मैं कुछ दिन पहले चाइना के बॉर्डर के ऊपर ये यूनिफॉर्म पहन के खड़ा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था, और इस यूनिफॉर्म को उतार के जब मैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो गया तो मैं बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया। इस नाम से नवाजा है आपके गोदी मीडिया ने मुझको। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, किसी भी सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के सीओ से फोन पे बात करके देखना और उनसे पूछना कि जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जवानों के स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपको बताएंगे वो। किसी जवान के घर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ड्यूटी करने को दिल नहीं करता। आपने तो आग लगा दी उनके घरों में, क्या ड्यूटी करेंगे वो? उन्हीं जवानों को, बीवी बच्चे, उनकी बहनें, उनके बूढ़े बाप हक लेने के लिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ठंड से मर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको सिर्फ बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है। कौन से बिजनेसमैन का लड़का बच्चा आर्मी में है? अगर वही बच्चे, वही किसानों के बच्चे बॉर्डर छोड़ के आ जाते हैं, अपने बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, लड़ाई लग जाती है, तो चाइना से आर्मी लेके आओगे आप पाकिस्तान के खिलाफ? क्या हो गया आपके दिमाग को? कौन से बिजनेसमैन का, कौन से गुजराती का बच्चा है आर्मी में? आपको सभी खालिस्तानी दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्हीं जवानों के बाप हैं वो। पूरी की पूरी आर्मी है ना, जो पंजाबियों और हरियाणा के फौजियों के सर पे सरदारी करती है वो। देश बच रहा है तो बचा लो उनको, इतना बुरा माहौल मत क्रिएट करो कि जवानों को भी छोड़ के अपने बाप के साथ खड़ा होना पड़े। सो दोस्तों, जिवें तुसीं वीडियो देखी जिस विच फौजी वीर ने अपने दिल की डूंघाई तो अपने दिल दीआं भावनावां पेश कीतीआं, ते नाल दी नाल उसने सरकार नूं साफ शब्दां विच कहा कि जेकर तुसीं किसानां दी गल नहीं सुणदे तां की जो फौजी वीर सरहदां ते दिन रात देश की राखी कर रहे आ उह किन्ना क टाइम उत्थे रहणगे, उह भी अपने परिवार अपने मापिआं दे नाल आ के दिल्ली उत्ते फिर बॉर्डर दे उत्ते उह भी सरकार दे खिलाफ हो जाणगे। सो दोस्तों, मैनूं उम्मीद आ कि तुहानूं इह वीडियो पसंद आई होगी, ते जो गल्लां फौजी वीर ने कहीआं तुसीं उस नाल जरूर सहमत होवोंगे। जेकर तुहानूं वीडियो वधिया लगी ते तुसीं किसानां दी सपोर्ट करदे हो तां वीडियो नूं लाइक जरूर करो, ते नाल दी नाल इस वीडियो बारे तुहाडे की विचार आ कमेंटां विच जरूर दस्सिओ, ते इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर दिओ। होर ताज़ा अपडेट्स लिए अपने चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, ते नाल आ रहे बैल दे बटन नूं क्लिक कर दिओ तां जो अपनी हर एक वीडियो तुहाडे तक सब तों पहलां पहुँच सके। सो जी, इन्ने शब्दां नाल लैने आ जी, तो मिलते हैं किसी होर वीडियो नाल। सत श्री अकाल जी।